We can just say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. How can you bring jealousy in religious matter? Masajid mein jealousy? Organizations mein jealousy? Institutions mein jealousy? ये कैसे हो सकता है कि वहां नहीं जाओ, वो अच्छे नहीं है, इसको मत सुनो, वो ठीक नहीं है, इसकी बात मत करो, ये गलत है. आप एक जनरल फॉर्म में लोगों को वार्न कर सकते हैं इफ समवन इज अ फितना इन द कम्युनिटी. लेकिन अगर एक इंसान इल्म दे रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी बात ना सुननी चाहिए. तो ये रिलीजियस अफेयर्स के अंदर जेलेसी भी जो है, अल्लाह हमें इससे बचा के रखे. और ये इस वक्त ये जेलेसी एक ऐसा इमोशन है कि जिससे कॉन्शियसली वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद को समझना चाहिए. इस जेलेसी ने हमें पूरा इस वक्त इन्वेलप किया हुआ. क्यों मैं ये कह रही हूँ, हर घर के अंदर ऑलमोस्ट, अगर हर घर में नहीं तो हर सोसाइटी में, मर्द औरतें मर्दों से जेलस हुई हुई हैं. और खासतौर पर मुसलमान औरतें बहुत सी वो दलील बनाती हैं कुरान की आयत को, हमें विरासत में मर्दों के बराबर क्यों नहीं मिलता, हमारी गवाही ऐसी क्यों है, औरतों को क्यों कवर करना होता है, मर्दों को क्यों नहीं कवर करना होता. और ये सब बातें एक्चुअली क्या कर रही हैं, शैतान इसको पकड़ रहा है और ये औरतें मर्दों से जेलस होने लग गई हैं, बहने भाइयों से, बीवियां शोहरों से, और ये वर्क प्लेस के ऊपर जो है एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉयज मेल एम्प्लॉय से, ये पूरी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी के अंदर चले जा रही है. तो दुआ मांगे अल्लाह से, दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमारे अंदर से इस हसद को निकाल कर फेंक दे. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआएं सिखाई हैं, और आप सूरह हशर में भी दुआ जो है वो आती है, सूरह हशर की आयत नंबर 10 में लंबी दुआ आती है, बट द पार्ट इज वला तजअलना फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीन आमनू. अल्लाह हम कम से कम अपने मुसलमान बहन भाइयों से तो जेलसी ना रखें, हम कम से कम रिलीजियस अफेयर्स में तो जेलसी ना रखें, हम अपने रिश्तों में तो कम से कम जेलसी ना रखें. इनसे ही जेलस होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, अर्थ फॉर्म्स के साथ जाकर जिंदगियां गुजारेंगे, ग्रास होपर्स के साथ जाकर जिंदगियां गुजारेंगे, उनसे रिलेशनशिप्स बनाएंगे, उनसे साथ जाके जो है वो अपने घरों की छतें शेयर करेंगे. वो मेरी पिछली एक टॉक थी जिसमें मैंने कहा था कि मोर को सब एडमायर करते हैं, पीकॉक, बट हस्बैंड को एडमायर करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड वाइस वर्सा, बीवी को एडमायर करना मुश्किल है, बट एक डांस करता हुआ मोर, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ एप्रिशिएटिव दिस इज, उसको आसान है. आप मोर को चार दिन अपने बेडरूम में रख के देखें, फिर मैं देखती हूँ आप कैसे उसको अप्रिशिएट करते हैं. इन्हीं इंसानों के साथ रहना है ना, तो इनसे हसद करके रहेंगे, इनका कम नुकसान करेंगे, अपना ज्यादा नुकसान करेंगे, अपने आप को परेशानी का शिकार करेंगे. और याद रखें, मत भूलें, सूरतुल फलक का बैकग्राउंड मैं आपको बता चुकी हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों का हसद ही तो था, इस्लाम से हसद ही तो था, उनको नहीं अच्छा लगता था इस्लाम का आखिरी कलाम का मुसलमानों पर नाजिल हो जाना, कुरैश पर नाजिल हो जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनू इस्माइल में से आ जाना, उनका प्रॉफिटहुड का जो एक पूरा लीनियत चल रहा था उसका सिलसिला यहाँ आकर ख़त्म होना, उनको नहीं अच्छा लगा, आउट ऑफ जेलिस उन्होंने ये किया. और इसलिए इसी हसद ने वो लबीद बिन आसिम के पास गए थे ताकि वो जाकर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा सकें, एंड ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकें. तो आज भी देखें, जेलसी मैंने शुरू की है इंडिविजुअल कैपेसिटी से, हमारी फैमिली, फिर हमारी सोसाइटी, एंड नाउ आई एम गोइंग ऑन अ वर्ल्डली लेवल, उम्मा के लेवल से भी आगे, नॉन मुस्लिम नेशंस और खासतौर पर ज्यूज मुसलमानों से हसद करते थे, और ये मुसलमानों से मेजॉरिटी हसद करेंगे. नॉट एवरी ज्यू विल बी अ हसद, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, खासतौर पर वो जो कॉन्स्टेंटली जो है अपने आप को मुख्तलिफ तरह की कॉन्स्पिरेंसीज और हेट्रेड में इन्वॉल्व करके रखते हैं. मेजॉरिटी ज्यूज कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते. रसूलुल्लाह से जेलस थे तो आपकी उम्मत के हर उस इंसान से भी जेलस होंगे जो इस दीन को आगे लेकर चलने की कोशिश करेगा. और कुरान ने खुद रीजन दी है, वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताबी लौ युरद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफारा. इनमें से मेजॉरिटी अहले किताब ये चाहते हैं, ये विश करते हैं कि तुम मुसलमान ना रहो, उनसे इस्लाम बर्दाश्त नहीं होता है. क्यों? आउट ऑफ हसद, आउट ऑफ जेलसी. ऐसे में हम मुसलमानों को तो चिपक जाना चाहिए अपने इस्लाम से, थाम लेना चाहिए इसको, क्लिंग कर जाना चाहिए इसके साथ, उनका हसद और इस और उनके हसद की वजह से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कुरान हमें क्या कहता है,
कुरान कहता है इनके दिलों में हसद है, इन्होंने हक को पहचान लिया फिर भी नहीं माना ना, और जब ये लोगों को हक पर चलता हुआ देखते हैं जेलस होते हैं। हर वो इंसान, वो आपने कहानी सुनी होगी ना दुमकटी लूमड़ी, द कहानी कैन इजीली अप्लाईबल ऑन दीज मैटर्स। खुद हक को पहचानने के बावजूद पहचाना नहीं तो महरूम रह गए, अभी भी चांस है अगर जिंदा है, बट अभी भी महरूम रह गए। और अब उस महरूमी के बाद जब देखते हैं कि और इंसान मुसलमान होते हुए अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं तो इनको हसद आता है। सेम इज द केस वो मुसलमान मर्द और औरतें जो खुद दीन पर अमल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपने आगे चलते हुए बहुत से लोग नेकियों में नजर आ रहे होते हैं, बिला वजह उनको टोकेंगे, बिला वजह उनकी दाढ़ियों के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन करेंगे, बिला वजह उनके हिजाब के ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे, जबकि ना दाढ़ी वाला बेचारा कुछ कह रहा है उनको, ना हिजाब वाली आंटी उनसे कुछ उनको दर्स दे रही है, वो अपना काम कर रही है खामोशी से, वो अपना काम कर रहे हैं। बट ये वो मुसलमान जो नॉन प्रैक्टिसिंग है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रही, बिकॉज असल में मसला उनका भी नहीं होता है, उनका करीन उनसे ये बातें बुलवाता है, वो थोड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम तो इंसान से नफरत नहीं करेंगे, हमें हमारे दीन ने यही सिखाया है, हम इंसान को ब्लेम भी नहीं करेंगे। यस वी विल ब्लेम द करीन, वी विल नॉट लाइक द बैड डीड, बट वी विल लाइक द पर्सन बिकॉज ही इज अ और शी इज अ ह्यूमन। ये नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो होंगे, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स के ऊपर क्यों बिला वजह जो है वो एक खामखा का जो है एक बैशिंग करके रखते हैं, वर्ड बैशिंग होती रहती है, खामखा में जो है वो टाइटल बैशिंग होती रहती है, खामखा में जो है वो उनको पोक करते रहते हैं, ना दाढ़ी वाला पोक कर रहा है ना बुरके वाली पोक कर रही है, नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान पोक करेंगे क्यों? आउट ऑफ जेलसी। आपका कसूर नहीं है अगर खुदा ना खास्ता आपकी जुबान से ये बात निकलती है या निकली है, जस्ट डू तौबा इस्तिगफार। और अगर निकली है या निकलती है तो आप नहीं हैं, बिलीव इट, आप तो पैदा ही मोहब्बत के लिए की गई हैं, आप तो पैदा ही अब्द बनने के लिए की गई हैं, आप तो पैदा ही इताअत के लिए की गई हैं, आप कैसे छोड़ सकते हैं अच्छा इंसान ना बनना? आपको तो इसको पकड़ना है, आपको अच्छा इंसान बनना है, तो उस करीम को हराना है जो हमसे अमल में आगे हैं, उनको बैश नहीं करते, उनको बुरे बुरे टाइटल नहीं देते, दुआ देते हैं, वरना ये हमारा हसद सामने लेकर आएगा। और बहुत सख्त दुख होता है, बहुत सख्त दुख होता है कि मुसलमान एक दूसरे से बहुत हसद करता है। मुसलमान हसद क्यों करता है? हर कोई अपने अपने खानदान को देख ले, खानदानों के अंदर वो मोहब्बतें, वो जुड़ कर रहना, वो जोड़ कर रहना, वो दरगुजर कर देना, वो माफ कर देना, वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देना, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, खत्म हो गया सब। खामोशियां और दूरियां तो वैसे ही हो गई, टेक्नोलॉजी ने और दूरियां कर दी, और लंबी 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 खामोशियां, हुआ क्या नुकसान? करीन ने उसको पिक किया और करीन ने उसी की वजह से मुसलमानों को हासिद बना दिया, एक खानदान दूसरे खानदान से हासिद, पेटी मैटर्स, एक फिरका दूसरे फिरके से हासिद, दुख होता है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, एक इदारा दूसरे इदारे से हासिद, बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ, एक उस्ताद दूसरे उस्ताद से हासिद, कैसे हो सकता है? जिसको दीन से मोहब्बत है उसको हर उस इंसान से मोहब्बत होती है जो हक के साथ दीन पहुंचा रहा होता है, वो कैसे हसद कर सकता है किसी दूसरे उस इंसान से जो उसके कुलीग की तरह है और वो आगे दीन की बात को हक के साथ पहुंचा रहा है? एक भाई दूसरे भाई से हासिद क्यों? इसलिए उसकी बीवी खूबसूरत है तो पर्दा करा दें अपनी बीवियों को, फिर बार बार ना आए आपके जेठ हो देवर के सामने। खैर ये तो खैर साइड नोट पे बात थी, बट दुख के साथ है ना, एक भाई को प्रमोशन मिलती जा रही है, दूसरा भाई जेलस हो रहा है, एक भाई के बच्चे बहुत फ्लरिश हो रहे हैं, दूसरा भाई जेलस हो रहा है, एक बहन और बहनों बहनों में जेलसी हो रही है, एक बहुत अच्छी जगह चली गई दूसरी अच्छी जगह नहीं गई, अब जेलसी हो रही है। ये होगा, ये इच है, मच्छर काट के जाता है तो मच्छर तो काट के जाएगा, ये वसवसा है जो करीन डाल रहा है। यू एंड आई हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कि आप और मैं उसको अब रब ना करने लग जाएं, वरना ये इची फीलिंग्स बढ़ने लग जाएंगी। वामिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, ये समझ जाएं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा वामिन शर्रे हासिदिन इन हसदा, नहीं जी, इन आता तो मतलब होता कि चांस है, हासिद के हसद से बचो अगर वो हसद करे, ना 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 ना, अल्लाह ने क्या कहा है, वामिन शर्रे हासिदिन
मांगू दुआ, मैं हासिद के हसद से अल्लाह आपकी हिफाजत में आती हूँ। इजा हसदा, इजा में अरबी जुबान में श्योरिटी होती है, जब भी वो हसद करे अल्लाह मैं आपकी हिफाजत में आती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग इजाजत दें तो कैन आई कंप्लीट माई सूरा प्लीज प्लीज। आई एम कंप्लीटिंग, थैंक यू। तो अल्लाह ताला ने इस मैं बस इस सूरत को कंप्लीट कराना चाह रही हूँ, बिकॉज कुछ छोटे से पॉइंट है, बहुत लंबा नहीं करूंगी, छोटा सा बस एक करूंगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट इट ताकि कल इंशाल्लाह हम नई सूरत शुरू करें। हासिद के हसद से बचना अशद जरूरी है, और इसी पॉइंट पर प्लीज मैं आपको ये बता दूँ कि ये वो फर्स्ट पॉइंट होता है, ये फर्स्ट इच होता है जो करीन डालता है दिल के अंदर, कहीं जाकर किसी की नेमत को देखकर टिंग एकदम से होता है। और जब ये टिंग एकदम से होता है तो उसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर ये हसद पैदा होता है, और इस हसद को अगर रोका ना जाए तो यही हसद आगे बढ़कर क्या बनता है, ईवल आई। अच्छा हाँ, एक तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रह ही जाएगा फिर ईवल आई वाला, चलें थोड़ा सा करते हैं, कंप्लीट नहीं हो सकेगा फिर, बिकॉज ये तो फिर आगे मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे। चलें करते हैं, आज क्यों नहीं लेते, ठीक है। हाँ, तो हसद आता है और हसद को अगर रोका ना जाए तो हसद जो है वो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाता है, और इंसान फिर फाइनली कबीरा गुनाहों की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो याद रखिए, ये था रूट कॉज जो इस सूरत में आया है। रूट कॉज हसद आएगा किसी की नेमत को देखकर, और मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता दिए हैं। अगर ना रोका तो इंसान को अगला स्टेप लगता है, इस पर जाता है, इंसान नाशुक्रा होता है और दूसरे को ईवल आई देता है। और अगर ईवल आई के पॉइंट पर भी अपने आप को नहीं रोका तो फिर इंसान अपने इस हसद की आग में आगे बढ़ता है और शहर की तरफ मूव करता है ताकि दूसरे की नेमत को कम्प्लीटली क्रश कर दिया जाए। ये जैसे जादू बरहक है, इसी तरह से अल आइन जिसको आप कहते हैं ईवल आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल आइन भी हक है। इब्ने माजा की सही हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तईऊज़ु बिल्लाहि फइन्नल आइनु हक फइन्नल आइना हक। इस्तईऊज़ु, अल्लाह की पनाह तलब करो क्योंकि नजर का लगना एक हकीकत है। सूरत कलम की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला के अल्फाज हैं वइन यकादुल लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, और जरूर काफिर ऐसे मालूम होते हैं कि ये आपको अपनी नजरें बद लगाकर गिरा देंगे। सो अगेन इट्स अ ह्यूज टॉपिक ईवल आई का, जो कि आपको किताबों में स्कॉलर्स की अहदीस की रोशनी में डिफाइन होता हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये सूरह कलम की आयत नंबर 51 इज अ रेफरेंस फॉर नजरें बद इन कुरान। सूरह कलम की आयत नंबर 51 वयकादुल्लज़ीना कफरू लियुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, यकीनन इन काफिरों से ऐसा मालूम होता है कि ये आपको नजर बद लगाकर गिरा देंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ ईवल आई, और शुरू कहां से हुआ था, फ्रॉम द जेलसी बिजनेस। अगर उसको नहीं रोका इस जेलसी बिजनेस को तो ये यहीं से फिर आपको ईवल आई की तरफ लेकर जाती है। और आप खूबसूरती देखें इस आयत की, कि इस आयत के अंदर वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसदा के अंदर एक ही रूट वर्ड के दो अल्फाज हैं, हासीन दाल, हसद से हासिद आया, और हासीन दाल से ही फेल आया, वर्ब आया हसदा। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अरेबिक आती है, कल की भी एक आयत नंबर 4 में भी एक पॉइंट है ग्रामेटिकल एनालिसिस का, और आज की इस बात में भी है। तो मैं बहुत डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगी, बट इंशाल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर के ग्रुप में इसको पढ़ लेंगे, बिकॉज यहाँ कुछ लोग घबरा जाते हैं ग्रामर की बहुत बातें सुन के। मैं वहाँ इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो अपनी डाल दूंगी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ सुन लीजिएगा। बट ऑन अ पॉइंट जो कि यहाँ पर है और शौक से सुनते हैं, एक रूट वर्ड है हा सीन दाल, एक उससे इसम आया है और एक उससे फेल आया है। हासिद इसम है, और हासिद इसम के तौर पर बताता है कि इंसान के अंदर हसद करने की सलाहियत डॉर्मेंट होती है, यानी दिल दिल में जो हसद कर रहा होता है, बाज़ दफा हम समझ नहीं पाते कि हम किसी से हसद कर रहे हैं,
मगर स्कॉलर्स के मुताबिक सूरतुल फलक की ये आयत मेंशन कर रही है वामिन शर्रे हासिदिन इदा हसद, कि जिसके अंदर हसद तबीयत में डॉर्मेंट होता है वो अमल में उसके फेल की शक्ल में इदा हसदा बन के बाहर जरूर आता है, चाहे गुफ्तगू में आए, चाहे अमल में आए, चाहे बॉडी लैंग्वेज में आए, चाहे एटीट्यूड में आए, चाहे फेशियल एक्सप्रेशन में आए। याद रखें, अगर खुदा ना खास्ता आप और मैं किसी से हसद करेंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे अल्फाज, हमारे जुमले और हमारे एटीट्यूड में ये ज़रूर आएगा। तो अपने आप को इससे कॉन्स्टेंटली बचाने की कोशिश करें। दूसरा देखें, यहाँ पर आया है हासिदिन, आयत नंबर 4 में देखें, वो जो फूंके मारने वालियाँ थी वहाँ हमजा लाम था, अन नफ्फसात, दैट वॉज प्रॉपर नाउन, हासिदिन इज कॉमन नाउन, अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ बलागा जो स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स। वो कहते हैं ये जो कॉमन नाउन आया है आयत नंबर 5 में हासिदिन, ये सजेस्ट कर रहा है कि हर हसद करने वाला जरूरी नहीं है कि आपको ईवल आए दे दे, समझ आए? हर हसद करने वाला जरूरी नहीं है कि आपको ईवल आए दे दे, क्योंकि देखें अभी आपको बताया जैसे मच्छर काट के चला जाएगा, जैसे बग काट के चला जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है ना। इसी तरह से परीन कभी कभी हमारी किसी वीकनेस का फायदा उठा के एक हसद की फीलिंग दिल में डाल देता है, लेकिन अगर आपने इंस्टेंटेनियसली उसको दूर कर दिया, आऊदु बिल्ला पढ़ ली, सूरतुल फलक पढ़ ली, आऊदु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, तो इंसान अपनी फौरन इस्लाह कर लेता है। दैट्स व्हाई दिस इज नकेरा फॉर्म, कॉमन फॉर्म हासिदिन। हसद तो कोई भी करता है, लेकिन हर हसद करने वाला ईवल आई नहीं दे रहा होता आपको, जबकि अन नफ्फसात हमजा लाम के साथ प्रॉपर था, यानी कि वो एक स्पेसिफिक अमल है और जो भी वो अमल करता है वो कम्प्लीटली वो दीन से आउट हो जाता है, वो दीन के खिलाफ हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर प्रैक्टिकल दीन एंड कलाम ऑफ अल्लाह। आप पढ़ते हैं और आपको रश्क आता है कि अल्लाह ने हमें कितनी खूबसूरत किताब दी है। तो ये पॉइंट जहन में रखें ताकि आपको मालूम हो, हमें नहीं मालूम होगा कि कब कोई हमसे जेलस हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अनसीन। तो प्लीज अपनी सुबह शाम की दुआएं रेगुलर पढ़ें। पॉइंट नंबर 1, आपको नहीं पता चलेगा कि कब किस वक्त कोई आपसे हसद कर रहा है, तो अपनी सुबह शाम की दुआएं रेगुलर पढ़ें। दूसरा पॉइंट, इमाम इब्नुल कय्यम अल जौजी अपनी किताब ज़ादुल माद, अरबी में किताब है इनकी, ज़ाद बजिंग साउंड वाला ज़ा, ज़ादुल माद मीम आइन अलिफ दाल, ज़ादुल माद में लिखते हैं जिसका मफहूम है कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की नेमत से इंस्टेंटेनियस हसद हो सकता है। किसी इंसान की नेमत से इंस्टेंटेनियस हसद हो सकता है, यानी किसी की नेमत आपने देखी आपको अच्छी लगे, तो इमाम इब्नुल कय्यम कहते हैं कि उसको चाहिए कि फौरन वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए अपने आप को हसद से बचाए और अपने भाई को दुआ दे दे, इसलिए कि अब इंशाल्लाह जब आप उसको दुआ दे देंगे तो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। और अगर आप उस जगह नेमत वाली मौजूद हैं, आपने अपनी दुआएं पढ़ी हुई हैं, और अगर उसने आपको दुआ नहीं भी दी तो भी इंशाल्लाह आपको उसकी ईवल आय का असर नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज कि हमें जब भी किसी की नेमत अच्छी लगे प्लीज फौरन दुआ दीजिए, फौरन बारकल्लाहु फी बारकल्लाहु लका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, आपने फरमाया इज़ा रअयता मिन अखीका मा युजिबुका फदउ लहू बिल बरका, जब तुम्हें अपने भाई की कोई नेमत देखने में अच्छी लगे यानी तुम इम्प्रेस हो जाओ तो उसको बरकत की दुआ दे। प्लीज किसी के बच्चे को देखें, किसी को देखें, फौरन बरकत की दुआ दें, सही? तो ये तो इससे क्या होगा कि आप इंशाल्लाह अपनी ईवल आय से उसको बचा लेंगे। अब अगर आपने अपने आप को किसी की ईवल आय से बचाना है तो दुआएं, कुरान, नमाज, अल्लाह की फरमाबरदारी और अपने सुबह शाम की दुआएं, ये सब तो अपनी जगह पर है। फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड रियली लाइक टू मेंशन एट दिस टाइम, खुद को हसद से बचाना है तो बहनों अपनी नेमत को बूस्ट मत करो, अपनी फैमिली की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर मत डालें। क्या हो जाएगा अगर आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं है? पास अवतीन कहती है लो मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, आई एम अ फेसलेस पर्सन। तो क्या हो गया, आई एम अ फेसलेस पर्सन? आप में से बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने मुझे कभी भी नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, बट यू आर स्टिल लिसनिंग टू मी, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बस आप अपनी नेमत को बूस्ट ना करें, अपने बच्चों की प्यारी प्यारी तस्वीरें मत डालें। एक तो होता है प्यारी तस्वीर डालना, मैं लिटरली आप लोगों को मेरे हाथ नजर नहीं आ रहे, मैं हाथ जोड़कर दुआएं कर रही हूँ और हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। इस वक्त खासतौर पर आपकी बेटी है, मुझे बहुत दुख होता है, और खासतौर पर वो बहनें, वो बच्चियां, वो स्टूडेंट्स जो कुरान की स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं इसको रिलेट नहीं कर सकती हूँ। दुख तो होता है, दिल से दुआ भी निकलती है, अल्लाह को एहसास डालता है। आपकी बेटी है, एक तो है ना बच्चों की तस्वीरें नहीं डालें, चाहिए बिल्कुल नहीं डालें, अपनी नहीं डालें, हस्बैंड के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें मत डालें। आपको क्या मालूम इस माशरे के अंदर कितनी इस वक्त बेचारी ऐसी खवातीन हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी शादियां हों, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। मत फ्लॉन्ट करें सोशल मीडिया पर अपनी नेमतों को, इट्स अ बूस्टिंग, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आपकी नेमतें किसी को डिप्राइव ना कर दें, आपकी नेमतें किसी को महरूमी का शिकार ना कर दें। जो है बहुत शौक है तस्वीर डालने का, तो डाल दें दरख्त की, पौधे की, फूल की, जूते की, डाल दें किसी की भी, मत डालें ना अपनी तस्वीरें। मगर नहीं, एप्रिसिएशन लेने का शौक है ना, ज्यादा मेरे पास लाइक्स आ जाएं, तस्वीर डालूंगी तो लाइक्स आएंगे ना, वरना कौन लाइक भेजेगा मुझे। आपकी तस्वीर इट्स जस्ट ऑफ योर बॉडी, फिजिकल वेसल, आज है कल मिट्टी है, नथिंग। कुछ ऐसा छोड़ दें यहाँ पर, कुछ ऐसा कह जाए यहाँ पर जो लोगों के दिलों में उतर जाए। आपकी शक्ल लोगों को नहीं भी याद होगी, तब भी वो आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। When you will have the genuine sincerity in your heart for Allah and for each everyone around you, sincerity लेकर आए। And जो पॉइंट में बात कह रही थी, प्लीज आपकी बेटी है, आपकी बेटी है 3 साल की 2 साल की, आप उसको बैकलेस कपड़े पहनाकर, हाँ, और उसको आप छोटे से वीडियो क्लिप के अंदर उसको डांस करवाते हुए दिखा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट इज क्रूड बट इट इज फैक्ट। फिर हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर पीडोफाइल्स इतने कॉमन क्यों होते जा रहे हैं? शैतान तो मौजूद है, मैंने आपको बता दिया, वो तो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, करीन तो हर इंसान के साथ लगा हुआ है, सारी नेगेटिव इवल थ्योरीज तो साथ साथ चल रही हैं। आपने और मैंने इस दुनिया को रहने की बेहतर जगह बनाना है, क्या फर्क होगा फिर हम में और उन लोगों में जो लूसीफर के वर्षे पर हैं और जो खुदा के वर्षे पर हैं? वो जो हैं वो शिकार ढूंढते हैं और हम जो हैं हम शिकार को प्रेजेंट करते हैं। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शिकार हमारी अपनी औलादें होती हैं, हम खुद उनको, आपकी खुदा ना खास्ता, अल्लाह हर औरत को और अल्लाह हर बच्चे को, बेटे को, और अल्लाह ताला हर मर्द और औरत को महफूज रखे। आपकी बेटी की वीडियो देखकर 3 साल की बच्ची को डांस करते हुए ऑलमोस्ट बैकलेस ब्लाउज के अंदर, किसी शैतानी इंसान के जज्बात भड़कते हैं और वो किसी और की बेटी के ऊपर या बेटे के ऊपर अपने हाथ साफ करता है, इट्स बिकमिंग कॉमन नाउ अराउंड द वर्ल्ड। वो किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, सोच लें उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ और उसकी फैमिली पर जो जुल्म हुआ, क्या उसमें हमारा हिस्सा भी कोई डला? इट्स अ फूड फॉर थॉट। It's easy to fill up the notebooks. Simultaneously, it's existing in our lives that we are filled up with social media life. और हम अपनी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे करना पसंद फरमाते हैं। मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे शौहर कैसे हैं, हम कहाँ कब गए थे, हम किस वक्त क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ वेकेशन अपनी स्पेंड की, हमने वेकेशन में किस होटल के अंदर स्टे किया, मैं अपनी लोकेशन पिन कर दूँ। डोंट बूस्ट योर लाइफ ऑन सोशल मीडिया। आप अपने आप को वल्नरेबल कर रही हैं कि आपके ऊपर जो है इस वक्त हसद किया जाए, इवल आए आपके ऊपर आए। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर आपको ये समझ आ जाता है, बास खवातीन पर्दे वाली होती हैं, पता नहीं क्यों अपने व्हाट्सएप डीपी के अंदर अपनी प्यारी प्यारी शक्लें लगा देती हैं, भाई आपके पास जिसका नंबर जाएगा उतना सेव कर लिया, आपकी डीपी उसके सामने आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रब की फरमा बरदार बने, रब की फरमा बरदार बने। और अगर आप चेहरा कवर नहीं करती हैं, मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें मत डालें सोशल मीडिया पर। इट्स इम्पैक्टिंग योर लाइफ। ये जो बेचैनियां हैं ना जिंदगी में कॉन्स्टेंटली, ये जो रिबेलियन एटीट्यूड आ गए हैं घरों के अंदर, ये जो कॉन्स्टेंट लड़ाइयां और फ्रिक्शन है, वन ऑफ द रीजन आउट ऑफ सो मेनी अदर रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्यूरेटिव मेजर दिया है, इवल आए अगर किसी को हो जाए,
तो उसके लिए अगेन एवलआई का कोई खास सिम्टम एज सच नहीं होता. कुछ सिम्टम्स छोटे मोटे जो आते हैं वो यही है कि इंसान को सर में दर्द हो या इंसान को जो है बहुत डिसकम्फर्ट कॉन्स्टेंटली महसूस होता रहे. लेकिन ये कि बस इस वक्त जो मुझे लगता है कि हमारे एंड पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर वन, वमेन शर्रे हासिदिन इदा हसद में, मैं किसी को अपनी इची फीलिंग्स की वजह से हासिद बन के नुकसान ना पहुंचाऊं, मैं हसद ना करूं. बिकॉज याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आती है सुनन अबी दाऊद में, वइयाकुम वल हसद فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب أو قال عفوا. बिल्कुल हसद नहीं करो, बिकॉज अगर तुम हसद करते हो तो ये तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश लकड़ी को, अव अशबु आता है, अव अशबा या घास को, सूखी घास को खा जाती है. तो प्लीज कोशिश करें कि किसी की नेमत पर उसको दुआ दें फौरन से पहले और अपना जहन वहां से हटा लें, और अपने आप को हसद से बचाने के लिए दुआएं, कुरान, अल्लाह की फरमाबरदारी, फराइज, नमाजें, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट फ्लॉन्ट योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया ताकि आप हासिद की इवलाई से बच सकें. मुस्तदरक हाकिम, इब्ने हिबान, इमाम अहमद और इमाम मालिक, इन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को मेंशन किया है जिसका मफहूम यह आता है कि एक मरतबा एक सहाबी दरिया में नहा रहे थे और इन सहाबी के लिए आता है कि ही वाज वेरी हैंडसम वाइट स्किन मैन, बहुत अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन था. तो एक पानी में दरिया में नहा रहे थे जिनका नाम आता है सहल इब्ने हनीफ, इनका नाम आता है. किसी और शख्स ने इनको देखा और वो जो देखने वाले थे उनका नाम आता है आमिर इब्ने रबिया. उन्होंने इनको देखा और देखने के बाद उनकी बॉडी से, उनके कॉम्प्लेक्शन से, उनकी मसल से बड़े इम्प्रेस हुए, उनको अच्छी लगी उनकी स्किन और बॉडी. तो जो नरेशन में मफहूम आता है वो ये कि इसी वक्त सहल इब्ने हनीफ जो थे वो दरिया में कोलैप्स कर गए. इन्होंने भी देखा, जाहिर बात है और लोग भी थे, उन्होंने देखा तो ये सब इनको बाहर निकाला, कोशिश की, होश में नहीं आए, तो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आ गए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हमें नहीं मालूम इनको क्या हुआ, अचानक से नहाते नहाते पानी में गिर गए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी एक दो और लोगों से, तो यही जो आमिर इब्ने रबी साथ में थे इन्होंने फौरन कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने इनको देखकर जो थी वो इनकी जिस्म की जो है बड़ा अप्रिशिएट किया था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने ताकीद की थोड़ा सा, आपने जिसमें कहते हैं ना कि वॉर्न करने के, उसमें आपने कहा कि तुमने अपने भाई को उसकी नेमत को देखने के बाद दुआ क्यों नहीं दी. फिर आपने आमिर इब्ने रबी को एक वेसल के अंदर पानी के अपने चेहरा, हाथ, बाजू, फोर आर्म्स, नीज और साइड्स ऑफ द फीट ये धोने को कहा, और फिर इसी पानी को जो है वो सहल इब्ने हनीफ के ऊपर डाल दिया गया. उसके बाद वो अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, और उसके बाद उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई. तो ये एक कॉमन पैटर्न है जो हमें मिलता है कि अगर आपको पता चल जाए कि जैसे माओ की अक्सर नजर लग जाती है, लगता है माओ को कि कहीं मेरी नजर ना लग गई हो, सिंपली एक वेसल के अंदर वुज़ू कर लीजिए. जाहिर बात है आप जब फुल्ली करें तो पानी उसमें थूकेंगे नहीं, आप बस आप मुंह चेहरा धोएंगे अपना, चेहरा, हाथ और बाजू, फोर आर्म्स तक आप धो लीजिए. नीज है, नीज को हल्का सा हाथ गीला लगा के वापस पानी में डाल दीजिए, और साइड्स ऑफ द फीट वापस पानी डाल दें, और फिर बच्चे को बिठा के पीछे से उसके ऊपर जो है वो पानी डाल दें. बहरहाल असल चीज यही है कि एहतियात जितनी की जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अल्लाह ताला हमें जो है वो सबको अपनी हिफाजत में रखे. एक्सट्रीम पैरानोया भी होने की जरूरत नहीं है कि अब हमें लगे कि अब जैसे हर कोई जो भी मुझे स्टेयर कर रहा है वो मुझे जो है वो नजर लगाने की कोशिश कर रहा है. जस्ट डोंट डू दिस. अपना प्रिवेंटिव मेजर स्ट्रॉन्ग रखिए. सोशल मीडिया पर अपने आप को फ्लॉन्ट करना बंद कर दीजिए. अपने बच्चों की प्यारी प्यारी तस्वीरें प्लीज वहां से उतार दीजिए, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ शिकारी लोग. पेडोफाइल फाइल्स जो है वो भरे हुए हैं. पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बुरा हाल हो चुका है. अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को अपने हिफाजत में रखे. एट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर ऑल ऑफ योर एक्स्ट्रा टाइम, बट द लास्ट पॉइंट, वन पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ हसद जो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है, इट्स इन मेनी नरेशंस बट आई एम मेंशनिंग द हदीस ऑफ बुखारी, सही बुखारी. आपने फरमाया, ला हसदा इल्ला अलस्नतैन रजुलुन, हसद नहीं हो सकता मगर सिवाय सिर्फ दो आदमियों के. दिस इज अ परमिसेबल जेलेसी. असल में इसको परमिसेबल जेलेसी को अरबी जुबान में एक इस्तलाह के साथ कहा जाता है, दिस इज गिबता, गाइन बाताहा, गिबता, गिबता इज द परमिसेबल जेलेसी. आपने कहा ला हसदा इल्ला अलल इस्नतैन
रजुलुन आताहुल्लाहु हाज़ल किताब, एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने किताब दी हो, फ़काम बिही आना अल्लैली व आना अन्नहार, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान दिया और वो उसके साथ दिन रात उसकी तिलावत करता है। वह रजुलुन, और दूसरा वो शख्स, आताहुल्लाहु मालन, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने माल दिया है, वेल्थ दी है, फतसद्दक बिही आना अल्लैली व आना अन्नहार, जो दिन रात उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। एक रिवायत में आता है कि वो इंसान जो कॉन्स्टेंटली कुरान की तिलावत करता है, आना अल्लैली व आना अन्नहार, फसामिअहु जारुहु, उसका पड़ोसी उसको सुनता है, फकाल या लैतनी, और फिर उसको रश्क आता है कि काश मैं भी इसकी तरह कॉन्स्टेंटली कुरान पढ़ता रहूं। तो ये जो उसको रश्क आया, दिस इज गिप्ता, और दिस इज द परमिसिबल जेलेसी, जिसको इस्लाम ने अलाउ किया है, और इसके अंदर कभी भी ये फीलिंग्स नहीं आती हैं कि उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, बल्कि इसके अंदर एक रश्क की फीलिंग्स आती हैं। और वो इंसान जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो दीन की फैसिलिटेशन में इस्तेमाल करता है, दीन से लेता नहीं बल्कि दीन को देता है, वो बेहतरीन इंसान है जिसके ऊपर परमिसिबल जेलेसी के साथ गिप्ता और जिसके साथ जो है रश्क का मामला रखा जाए। अल्लाह ताला हम सब से इन इल्म की महफिलों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के शर से अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इस 2020 पैंडेमिक की दुनिया में ईमान और इस्तेकामत के साथ जिंदगी गुजारना आसान बना दे। अल्लाह हमें मौत ना आए मगर इस हाल पे कि हम अपने अंजाम से राजी हों और अल्लाह आप हमसे राजी हों। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाइए। अल्लाह हमारी औलादों की फिजिकल और स्पिरिचुअल और ईमानी हर लिहाज से हिफाजत कीजिए। अल्लाह उनको अपने से मोहब्बत करने वाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमें रोज़े महशर अपने अर्श के साए में जगा दीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाइए। अल्लाहुम्मा जअलना फी रमदान मिनल मुस्तगफिरीन वजअलना फी रमदान मिन इबादिकस सालिहीन वजअलना फी रमदान मिन औलियाइकल मुकर्रबीन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन।